जहाँ पे जतरा मेला मनाया जा रहा है और 9 साल हो गया इसी मैदान में जो है जतरा मेला बनाने के लिए। आप है परंपरा क्या है? टोला पे चलता है। टोला पे? हाँ। अच्छा। तो मेरा टोला कितना हो जाता? 4 टोला होता। गीत गाते हुए और ट्रेडिशनल जो है डांस करते हुए आदिवासी महिलाएं जो है जतरा मेला का आनंद ले रही हैं। 9वां आदिवासी जतरा मेला मनाया जा रहा है, उसको अटेंड करने के लिए यहाँ हजारीबाग के जो MLA के प्रत्याशी हो सकते हैं प्रदीप प्रसाद जी, वो यहाँ पे आए हुए हैं। उनके साथ यहाँ के प्रदीप जी जतरा मेला में आए हैं, कैसा लग रहा है? पहले भी आए हैं, ये पहली बार है? जी जतरा मेला में प्रत्येक साल आता हूँ। पैर का आप जो स्टेप लेते हैं, राउंड घूमते हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं जो इस तरह से जो स्टेप है, ये बहुत पॉपुलर स्टेप है यात्रा मेला का। और इसी तरह से जो सर्कल में आप घूमते रहते हैं और ये ट्रेडिशनल जो स्टेप है, जतरा मेला के बारे में थोड़ा बताएं, क्या होता है, कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ? जोहार हजारीबाग, हम लोग आ गए हैं हथियारी मोड़ में चरही के पास, जहाँ पे जतरा मेला मनाया जा रहा है और 9 साल हो गया इसी मैदान में जो है जतरा मेला बनाने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से जो तैयारी है वो चल रही है जतरा मेला। ऐसे ये झंडा घुमा के यहाँ लगा रही है, सरना झंडा जो है यहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। और ये जो है मेला का शुरू करने के पहले जो है क्या है परंपरा क्या है? टोला पे चलता है। टोला पे? हाँ। अच्छा। तो मेरा टोला कितना हो जाता? 4 टोला होता। हाँ, हाँ। तो हम अपने हिसाब से दिए। तो 4 टोला का यहाँ झंडा लगा हुआ है। हाँ, ओके। तो देख सकते हैं ट्रेडिशनल जो है गीत गाते हुए और ट्रेडिशनल जो है डांस करते हुए आदिवासी महिलाएं जो है जतरा मेला का आनंद ले रही हैं। हजारीबाग के आप देख सकते हैं, हजारीबाग के हथियारी मोड़ में जतरा मेला का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे लोग जो है एंजॉय करने के लिए आ गए हैं। क्या हाल है? सरना का जो कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग गाँव से सरना झंडा लेके आएंगे और यहाँ पे जो है सब झंडा लगाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं भाजपा नेता जो प्रदीप प्रसाद जी जो हैं, उनका किस तरह से देख सकते हैं आप, स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे हथियारी मोड़ में। आप देख सकते हैं सरना जो है, सरना धर्म के लोग या फिर आदिवासी धर्म के लोग हैं, आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग जो हैं उनका स्वागत करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहे हैं। तो हजारीबाग में हथियारी मोड़ में जो माहौल यही है, आप सरना समिति हथियारी के द्वारा 9वां आदिवासी जतरा मेला मनाया जा रहा है, उसको अटेंड करने के लिए यहाँ हजारीबाग के जो MLA के प्रत्याशी हो सकते हैं प्रदीप प्रसाद जी, वो यहाँ पे आए हुए हैं। उनके साथ यहाँ के लोग हैं, अलग अलग गांव के लोग हैं जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं अटेंड करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से माहौल जो है हजारीबाग का। ये जतरा मेला के बारे में थोड़ा बताएं, क्या होता है, कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ? यहाँ जतरा मेला पूर्वज से आदिवासियों का मेला है, जिसमें कारमास भादो महीना से शुरुआत हो जाता है। जैसे नया फसल जब तैयार होता है ना, तो यहाँ उसी समय से जतरा का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और जैसे कि पूर्वज पढ़ा व्यवस्था का नाम दिया था, जिसमें लोग इसी से शादी ब्याह का प्रोग्राम करता था, उसी से
छोटा मोटा पंचायत वगैरह जो होता था उसी में सब गांव में ही निपटाता था। और क्या कहते हैं कि मेला का शुरुआत इस कारण है कि जैसे नया शादी ब्याह का जो लड़का लड़की का जो शादी ब्याह होता है उससे नया शुरुआत होता है और उसी से हम लोग का प्रोग्राम शादी ब्याह का चलते रहता है और उसी के लिए जतरा का मेला आयोजन किया गया जिसमें सब कुछ इसी से शुरुआत होता है। यह हथियारी मोड़ में कब से हो रहा है? ये 9वां वर्षगांठ है जतरा मेला वर्ष का और यहाँ पूर्व से पूजा पाठ होते रहता था लेकिन मेला का आयोजन नहीं किया गया था। 9 साल हो गया इसका आयोजन किया गया। जो झंडा लगा हुआ है यहाँ पे, झंडा कहाँ से आया हम लोग का? यही चीरा झंडा है हम लोग का, है ना? ये सदा का पहचान है, सदा शांति रहना। लाल का पहचान है, जो अगर छेड़े उसका मुंह तोड़ जवाब देना, ये लाल का पहचान है। ये जो अलग अलग झंडा आया हुआ यहाँ पे 5 लगा हुआ है, ये अलग अलग गांव से आया हुआ। 4 टोला है हचहरी में, जैसे तुर्का टोला है, महुआ टाण है, ढीपा टोला है और मांझी टोला है, है ना? ये चारों टोला का झंडा यहाँ पे लगा। चारों टोला का अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हुए इस मेला में उपस्थित हुए और यहाँ जो है अखाड़ा में इस झंडा को स्थापित किया। ये बताइए, ये जो जतरा मेला है ये पूरे झारखंड में मनाया जाता है कि सिर्फ हजारीबाग में? नहीं नहीं, पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड भर में। और हजारीबाग में सिर्फ यहाँ बनता है अभी? हाँ नहीं, बरही में भी बनता है। बरही में? हाँ बरही में बनता है, सिला तरफ बनता है। ये क्या मतलब, जो पर्टिकुलर आदिवासी कोई है, कोई कास्ट है कि सब आदिवासी मनाते हैं? नहीं, हम लोग के आदिवासी है सिर्फ है, सब आदिवासी टोटल। सब आदिवासी, कोई ऐसा ही नहीं है कि उराव है या फिर मुंडा है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, नहीं, सारे आदिवासी। हाँ सारे आदिवासी, जो भी आदिवासी में आते हैं सब मनाते हैं। जो सरना धर्म से है सभी, हाँ सभी का है। क्या नाम हुआ आपका? महेश उराव, पाहन महेश उराव। पाहन महेश उराव, हाँ। पाहन का क्या मतलब होता है? पाहन के मतलब है गांव में जो पूजा पाठ होता है और जो सरना में पूजा होता है वो पाहन करता है। अच्छा, आप करते हैं पूजा? हाँ पाहन शुरुआत करते हैं। कब से कर रहे हैं पूजा? ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन 9वां साल हुआ जो यहाँ ये क्या कहते हैं कि मेला का आयोजन किया गया। 9 साल से मेला कर रहे हैं। हाँ ऐसे जो सरना का पूजा आप घर में करते हैं? हाँ ये तो पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। हाँ पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। पाहन महेश उराव जी जो पाहन है, जो पूजा करते हैं सरना का, उसी को लेकर आज हथियारी मोड़ में 9 सालों से यहाँ पूजा हो रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से आदिवासी कल्चर को बचाने के लिए फसल की जो कटाई होती है उसके बाद का ये पूजा लोगों को मिलने का है। यहाँ प्रदीप जी, जतरा मेला में आए हैं, कैसा लग रहा है? पहले भी आए हैं, ये पहली बार है? जतरा मेला मैं प्रत्येक साल आता हूँ, इसका शुरुआत मेरे द्वारा ही किया गया था। ये जतरा मेला का हथियारी में जो शुरुआत किया गया वो मेरे ही मन से और हम ही ने इसका शुरुआत किया था। और प्रत्येक साल आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आचार संहिता लगने के चलते इस बार हम लोग मंच साझा नहीं कर पा रहे हैं और जितना कम से कम हो हम लोग करने का प्रयास किए। ये बढ़िया है, आज पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछेंगे यहाँ पे, लेकिन शाम में उम्मीद है कि पूछने आएंगे, अभी तो एंजॉय कीजिए। देख सकते हैं आप, भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद जी जो है ट्रेडिशनल स्टाइल में जतरा मेला एंजॉय करने के लिए आए हैं और जतरा मेला में जो ढोल जो है लेके वो हाथ से बजा रहे हैं। लोकप्रिय नेता देख सकते हैं किस तरह से जो है पैर का आप जो स्टेप लेते हैं, राउंड घूमते हैं। जो आदिवासी महिलाएं हैं जो इस तरह से जो स्टेप है ये बहुत पॉपुलर स्टेप है जतरा मेला का। और इसी तरह से जो सर्कल में आप घूमते रहते हैं और ये ट्रेडिशनल जो स्टेप है वो आदिवासी कल्चर को दिखाता है। और ये डांस जो है ये बहुत पॉपुलर है ये झारखंड में।